एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लांट्स एंड पीस। ये है मेरे ब्यूटीफुल प्लांट्स, फ्लावर्स के साथ कुछ नॉन फ्लावरिंग भी हैं और सभी प्लास्टिक पॉट्स में हैं। प्लास्टिक पॉट्स में प्लांट्स रखने का रीज़न ये है कि शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत इजी हो जाता है प्लांट्स को मूव करना अगर वो प्लास्टिक पॉट्स में होते हैं। अगर आपने भी कभी शिफ्टिंग करी है प्लांट्स के साथ तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। प्लांट्स के साथ शिफ्ट करना, मूव करना, उन्हें कैरी करना, अगर हमें कहीं से सपोज मिल जाते हैं सडनली प्लांट्स तो कैसे कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो फॉर शिफ्टिंग एंड मूविंग एंड कैरी प्लांट्स विद अस। सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले जब भी आपने प्लांट्स को शिफ्ट करना है, एक दिन पहले प्लांट्स को पानी दे दीजिए। सेम डे पे कभी भी वाटरिंग नहीं करिए। एंड फॉर शिफ्टिंग द टिप नंबर वन इज, सारे पॉट्स को पॉलीथीन से कवर कर लीजिए अच्छे से। और उन पॉट्स को आप किसी भी कार्टन में रख सकते हो। 5 से 6 पॉट्स आराम से आ जाते हैं एक कार्टन में जिनमें सारा सामान पैक होता है। एंड फिर उसको आप आराम से ट्रक में रखवा दीजिए या अपनी कार से भी आप इसको लेके जा सकते हो। इट्स वेरी इजी, कोई मेस क्रिएट नहीं होता, प्लांट्स स्पॉयल नहीं होते। अनदर टिप इज़, आप अपने साथ सीड्स, फ्लावर्स ज़रूर लेके जाइए अपने प्लांट्स के। जब टाइम मिले आप दोबारा से प्लांट अपने घर में आराम से ग्रो कर सकते हैं। सो ये हो गया शिफ्टिंग का। अगर आप कभी प्लांट्स वैसे ही कैरी करना चाहते हो तो सेपरेट बैग में, ऐसे किसी भी बैग में आप लेके जा सकते हो। पॉटेड प्लांट भी इस तरीके से लेके जाए जा सकते हैं अगर थोड़े से होते हैं। ट्रेन, बस, कार, फ्लाइट सब में अलाउड है, कोई मना नहीं करता है, बहुत इजी है। बस अगर आपके पास लगेज कम होगा तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत फिजिबल है। एंड नेक्स्ट वन इज़, जब भी आप कहीं से प्लांट्स लेते हैं या कैरी करते हैं तो ट्राई करिए कि स्मॉल कटिंग्स, स्मॉल प्लांट्स ही अपने साथ कैरी करें। बड़े बड़े प्लांट्स एंड कटिंग्स लेके जाने थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो अगर स्मॉल प्लांट्स होंगे तो बहुत ईजीली ग्रो भी हो जाएंगे, आपके लिए कैरी करना भी ईजी होगा। ये प्लांट्स की एक ट्रैवल फ्रेंडली पैकिंग भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ चैनल पे। सो इनमें से अगर कोई भी टिप आप अगर अपनी शिफ्टिंग, मूविंग, कैरिंग के लिए यूज़ करते हैं देन डू कमेंट। एंड इफ़ एनी ऑफ दिस इज़ यूजफुल, कंसिडर अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दीज आर माई प्लांट्स ग्रोइंग वेरी वेल आफ्टर 2 months ऑफ रीपॉटिंग, मैं अपने साथ कैरी करके लाई थी। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।